तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने डाइट बनाई हुई है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसमें मकई है, बाजरा है, गंदुम है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको मैं इस चीज़ का बताता हूँ। और ये गाइस जैसा कि हमने ये 3 कप इसमें डाल दिए इनका फूड, ठीक है। इसके बाद ये है इस बोल का छिलका, ये आम दुकानों पे भी मिलता है, सफ़ेद कलर का ज़्यादातर मिलता है, लेकिन हमने देसी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें इस बोल का छिलका। ये तकरीबन आप आधा कप इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में ना, डॉग के खाने में। इससे क्या होगा, डॉग का आपके मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और वो अच्छे से खाए पिएंगे और उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, हेल्थ के इश्यूज भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी ऐड कर रहे हैं सिर्फ इसी खाने में। तो फ्रेंड्स ये देखें आप, हमारा खाना हल्की आंच पे पक रहा है। अब हम आपको इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लेनी है अगर आपके पास जानवर ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जानवर ज़्यादा है, हमारी डाइट ज़्यादा बनती है, तो इस वजह से हम लोग तो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आप इसे अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमने ऐड किया था गंदुम, गंदुम का दलिया, ठीक है जी। उसके बाद मकई, मकई का भी दलिया, बाजरा, और इसके अलावा बाजरे के साथ हमने ऐड किया था इसमें चावल, ठीक है जी। चावल के साथ हमने 4 दालें ऐड की हैं इसमें, ठीक है, और 4 दालों के साथ इस बोल का छिलका ऐड किया है। तो ये जो इसमें फाइबर, प्रोटीन्स और जो विटामिन्स हैं वो भी हैं इंक्लूड। आप वेजिटेबल ऑयल्स के लिए इसमें फ्रेश जो है वेजिटेबल, कद्दू या इस तरह की कुछ चीज़, कद्दू हो गया, चुकंदर होगी, ये भी आप